हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सूजी का इंस्टेंट हांडवो। और ये इतना टेस्टी बना था तो मैंने सोचा ये रेसिपी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए, और ये बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाला है, तो आप भी ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। और ये इंस्टेंट सूजी हांडवो है तो इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर एक बोल में हमें ले लेना है एक कप सूजी या रवा, और इसमें आधा कप डाल देना है दही। अगर दही थोड़ा खट्टा होगा तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, और नॉर्मल भी दही है तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें एक छोटी चम्मच डालेंगे नमक, और अच्छे से हमें कर लेना है मिक्स। ये सूजी का हांडवा अगर आप परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो ये आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा और एकदम परफेक्ट बनेगा। अब इसमें हमें डाल देना है आधा कप पानी, और अच्छे से घोल लेंगे हम घोल को। और बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ा यहाँ पर थिक ही रहती है, तो इस टाइप की कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब हमें ढककर रख देना है थोड़ा सा सेट होने के लिए 5 से 10 मिनट, जब तक हम चॉपिंग कर लेते हैं सब्जियों की। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर लिया है गाजर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची और एक हरी मिर्ची और खीरा, और इन सारी चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने खीरा, टमाटर और गाजर को कद्दूकस कर लिया है, बाकी सारी चीज़ें हैं जिनको चॉप कर लिया है, प्याज, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची और थोड़ा सारा धनिया भी चॉप कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हम बैटर में ऐड कर देते हैं। तो बैटर को भी रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो गई है, और अच्छे से एक बार चला देंगे। और इसमें हम सारे वेजिटेबल ऐड कर देते हैं जो भी हमने चॉप किए हैं, और इसमें चाहे तो आप अपने मनपसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, लौकी, इन सभी चीज़ों को हम कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं, मटर के दाने भी ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये इतना फ़ायदेमंद होता है कि सूजी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छी होती है, और इसमें इतने सारे वेजिटेबल जाते हैं तो ये बच्चों के लिए और हमारे लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, और बन के बहुत ही फटाफट रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर बैटर हमारा रेडी हो गया है, तो इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देना है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम इनो पाउडर ऐड करेंगे, तो 1 छोटी टेबल स्पून इनो ऐड कर देना है, या इसकी जगह 1/2 टेबल स्पून खाना सोडा, जो मीठा सोडा होता है, वो ऐड कर देना है। और अच्छे से हम बैटर को मिला देंगे। अब एक कढ़ाई ले ली है जिसमें 2 चम्मच डाल देना है ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच राई, थोड़ा सा डालेंगे हींग, 1 टेबल स्पून डालेंगे सफ़ेद तिल, 8 से 10 डालेंगे करी पत्ता, और जो बैटर हमने रेडी किया है तो हम आधा डाल देंगे, और अच्छे से इसको फैला देंगे। अब बैटर को हम ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको पका लेते हैं। तो 5 मिनट हो गई है, अब हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा हम साइड से इस तरीके से उठाते जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा अगर आपको कच्चा लग रहा हो, ऊपर से पका ना हो, तो 1-2 मिनट और पका लेना है। तो यहाँ पलट दिया है, ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से पक गया था, और ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। और दूसरी साइड भी हम ढककर इसे 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो 5 मिनट भी हो गए हैं, तो दूसरी साइड भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर उठा के। तो ये देख सकते हैं नीचे से भी अच्छे से सिक गया है। तो ये हमारा सूजी का हांडवो बनकर रेडी हो गया है। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। और इसको हम कट कर लेंगे बीच में से। तो ये हमारा इंस्टेंट सूजी का हांडवो बनकर रेडी है, और मैंने सर्व किया है चटनी और सॉस के साथ, और ये इतना टेस्टी बना था। तो आप भी फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये खाने में कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। सो फ्रेंड्स, मिलते एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।